हेलो फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आज का शीर्षक बताते हैं। डाउ जोन्स ने पलट दी बाजी। कल हमने जो चर्चा की थी वो ये चर्चा की थी कि भाई देखिए, डाउ जोन्स के अंदर जो रैली है वो शॉर्ट कवरिंग रैली हमें लग रही है, लेकिन जिस तरीके का जो है कल क्लोजिंग हुई डाउ जोन्स के अंदर, और उसके बाद जब आज डाउ जोन्स फ्यूचर्स ने ट्रेड करने शुरू किए तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी तकरीबन 300 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा था। तो जब हमारे बाजार खुले तब एशिया, पूरा एशिया के अंदर कोई भी मार्केट ऐसी नज़र नहीं आई जो 2% से कम ट्रेड कर रही थी। तो लाजमी था कि कल का जो हमारा एनालिसिस था कि भाई नीचे के, हमें लग रहा था कि भाई 37,750 पे निफ्टी में जो है सपोर्ट मिलेगी, उसके बाद जो हम देखेंगे अगर नीचे जाएगा तो फिर 37,100 से 37,500 के बीच में बहुत अच्छी सपोर्ट है। ये हमने चर्चा की थी, एक ब्रॉडर रेंज हमने निफ्टी की आपके साथ बात की थी कि भाई 16,700 से 17,300 के बीच में जो है काम करता हुआ नजर आएगा। तो आज जो है वैसा तो हुआ, मतलब ब्रॉडर रेंज वाला तो, लेकिन बात यह कि बिल्कुल उम्मीद के विपरीत जो है आज ट्रेड थे। और सुबह खुलते के साथ ही जो भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनको पता है, जिन्होंने मंदी की पोजीशंस ली होगी तो सुबह सुबह ही जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, तो स्टॉप लॉस के साथ ही जो है लोगों की शुरुआत हुई होगी मंदी वालों की। और बाजार ने एक बार भी जो है रुक के जो है सांस नहीं लिया, एक बार बाजार वाले की निफ्टी बैंक जो है एक बार कोशिश कर रहा था 38,850-60 के आसपास आने की, लेकिन वो क्षण भर में जो है बाउंस कर गया। तो पूरे दिन भर जो है बाजार तेज रहे, और आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी तो लास्ट में बजाज फाइनेंस और बाकी जो फाइनेंशियल्स के दम पे बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। हालांकि देखिएगा, डिटेल एनालिसिस आज की बजाय जो है कल करें, क्योंकि कल पूरा जो मामला है वो डिटेल में आ जाएगा, तो कल हम और डिटेल में बात करेंगे। तो आज की जो सारी बाजी है वो डाउ जोन्स ने पलटी, और डाउ जोन्स जो है निचले लेवल से अगर अभी आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन जो है 2 दिन के अंदर ही जो है करीबन 1300-1400 पॉइंट की रैली कर चुका है, और ये डाउ जोन्स के 710 पॉइंट की तेजी आज की है और 600-700 पॉइंट की तेजी कल की थी। तो इन सब तेजी के बावजूद पूरे बाजार के अंदर जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है ओवरसोल्ड था, उसके अंदर एक जो है रैली देखने के लिए मिली। और वो रैली हम ये मान रहे थे कि भाई जिस तरीके से बाजार के अंदर रैली आएगी तो वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली होगी, और शाम तक शायद डाउ जोन्स थोड़ा सा स्लिप कर जाए कल के लिए, लेकिन डाउ जोन्स ने एक मजबूती दिखाई, उसके बाद उसका फॉलो अप बाइंग आया और उसका असर हमारे बाजारों में भी देखने के लिए मिला। अब अगर हम बाजारों के अंदर बात करें कि बाजारों का रुख कैसा है, तो बाजार देखिएगा, जब इस हफ्ते के अंदर ही 2 बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ आ रहा है, एक बेस बनाकर जो है निफ्टी 50 आ रहा है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार अब 17,300 के आसपास अगर जो है खुलता है तो यहाँ पर थोड़ा सा सप्लाई आ सकती है, लेकिन अगर 17,300 के ऊपर ही खुलता है तो बाजार फिर ऊपरी लेवल्स पर जाने का जो है दम दिखाएगा एक बार। और क्योंकि अब जब नेक्स्ट डे थर्सडे जब हम बात करेंगे तो जो है वीकली एक्सपायरी होगी, तो ऐसी उम्मीद हो सकती है कि देखिएगा, ये जो रेंज है जिस रेंज में बाजार जो है पीछे बाजारों ने सपोर्ट लिया, वो रेंज है 17,500 के आसपास तक की। तो बाजार इस रेंज के पास जाके जो है स्लिप करना चाहिए, और जो 17,500 के आसपास उसको एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और निचले लेवल्स पर अगर हम बात करें तो आज बाजार ने कहीं पर भी वीकनेस नहीं दी, तो आज आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 17,100 और 17,050 के आसपास का जो लेवल है वो आपको एक सपोर्ट के रूप में दिखना चाहिए। आज बजाज फाइनेंस, HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, इन सब में तेजी थी। पावर ग्रिड डायरेक्टर रेडीज कमजोर थे। जैसे कल एडवांस डिक्लाइन इशो खराब थी, तो आज देखिएगा फ्रंट फुट पर एडवांस आ गए। इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प्स, ये सब तेजी में थे। और मैं कल आपके साथ वैसे चर्चा करना चाह रहा था, जब मैं ऑटो की बात की थी तो जो है उस समय पर मुझे हीरो मोटोकॉर्प जो है ओवरसोल्ड जो है लग रहा था। इसी तरीके से मैंने आपके साथ देखिएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की भी बात की थी 1-2 दिन पहले कि 2800 की पुट अगर आप बेचेंगे तो इसमें जो है हमें दम लग रहा था। देखिएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी एक अच्छा उफान हमें देखने के लिए मिला। इसके अलावा जो फाइनेंशियल्स के जो नंबर आ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ आ रही है एडवांसेस के अंदर और जो डिपॉजिट्स के अंदर, वो तकरीबन 15% की आ रही है, तो बाजार जो है उसको भी बड़ा पॉजिटिव ले रहा है। तो इसीलिए फाइनेंशियल्स के अंदर एक अच्छा दम हमें देखने के लिए मिला। और कल भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी और मैंने कहा भी था बैंकों के अंदर कि IDFC फर्स्ट बैंक आज फ्लैट रहा है, लेकिन इसके जो डेटा हैं वो अच्छे थे कल, लेकिन कल बाजार नरमी के माहौल में था तो उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। आज IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर उसका रिएक्शन भी देखने के लिए मिला। और बाकी जो कमजोरी है वो
पावर ग्रिड डॉक्टर रेड्डीज दो ही शेयर थे, बाकी सब में तेजी ही थी। और निफ्टी बैंक के अंदर 39,110 1,000 पॉइंट की तेजी जो है देखने के लिए मिली, और ये एक अच्छी भयंकर वाली जो है तेजी देखने के लिए मिली। अब देखिएगा निफ्टी बैंक यहाँ से अगर हम देखें तो 39,500 के आसपास एक सप्लाई जोन है, और ये जो जोन है 39,500 से लेकर 39,700 के आसपास का है। तो इस जोन में जब बाजार जाएगा तो मुझे लगता है कि इसको पार कर पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल रहे। और जब बाजार गिर रहे थे तो एक बड़ी जो रेड कैंडल थी उसका भी बेस पॉइंट था, वहाँ पे क्लोज दिया था। तो अब जो रास्ता है 400-500 पॉइंट का निफ्टी बैंक के लिए, बेशक से डाउ जोन्स के अंदर इतनी अच्छी तेजी है, जैसे मैंने कल भी कहा था, कल तो हम शॉर्ट कवरिंग उम्मीद कर रहे थे तो उसके विपरीत ही जो बाजार चला, लेकिन आज जो अब हम देखें 400-500 पॉइंट के बाद तो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है ये। तो अभी ये बाजार ये यहाँ पे बेस लेके जो जोन में जाएगा वो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो 39,500 के आसपास और 39,500 से 39,600 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और वहाँ से हमें उम्मीद है कि क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी है तो बाजार नीचे की तरफ आपको एक बार स्लिप करते हुए नज़र आने चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि आज बाजार ने ट्रैप किस तरीके से किया। कल मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपके साथ बात की थी कि चार्ट इतने वीक नज़र नहीं आ रहे जितना ऑप्शन चेन का डेटा था। तो आइएगा, ऑप्शन चेन और FIs के डेटा बड़े कमज़ोर थे, आज देखिएगा उसी को आड़े हाथों लिया, आज उसी को आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों कैसे लिया अब देखिए, ये है डेटा जो हम बात कर रहे थे। FIIs ने कल थोड़ी सी मामूली सी बाइंग की थी, आज 1,344 करोड़ की बाइंग की। DIIs ने 945 करोड़ की बाइंग की, तो दोनों बायर हो गए, बाजार यहाँ पे तेज था। इसके अलावा मैंने जो बात की थी कि ये की थी कि FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट थे, बाजार में मूव बदला तो उनकी शॉर्ट कवरिंग आ गई। तो एक जबरदस्त तरीके से FIIs जो इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट थे उनकी शॉर्ट कवरिंग, अगर स्टॉक फ्यूचर्स में भी जबरदस्त शॉर्ट थे तो वहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हो गई। और पिछला महीना तकरीबन 20,000 करोड़ के शॉर्ट थे, तो FIIs ने यहाँ पर भी ये सब दिखाया कि भाई बाजार में डाउ जोन्स के अंदर मूड माहौल बदल गया है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स में, तो अपने शॉर्ट्स को कवर कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बाजार ऊपर से नीचे क्यों नहीं आए, क्योंकि नीचे से बाइंग तो थी लेकिन साथ साथ FIIs के शॉर्ट्स जो थे वो ट्रैप हो रखे थे, और उन्होंने शायद यहाँ पर अपना रुख थोड़ा सा नरम कर लिया और अपनी जो पोजीशन से भी मंदी वाली उनके अंदर जो है आज जो है शॉर्ट कवरिंग के अंदर उन्होंने अपनी कवरिंग की है। तो ये जो डेटा है ये हालांकि अब पॉजिटिव डेटा है अगर हम कल के एंगल से बात करें, लेकिन जो शॉर्ट्स थे उसको काफ़ी हद तक यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो है कवर किया गया है, और इसके अलावा भी इंडेक्स की ऑप्शंस जो है अभी भी लगातार वो खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर एक ट्रैप होता हुआ नज़र आया है। तो जो भी मंदी करने वाले थे कल के जो भी पैटर्न थे उनमें सब ट्रैप होते हुए नज़र आया। कल का जो डेटा था जिस तरीके से बाजार कमज़ोर थे और कल की जो क्लोजिंग थी वो वास्तव में ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि बाजार में इस तरीके की तेजी आज होगी, लेकिन ये शेयर बाजार है और इसीलिए जो है स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है। तो जो हमारी उम्मीदें थी उसके बिल्कुल विपरीत आज जो है बाजार चलते हुए नज़र आए, और इसीलिए आज जो है सुबह खुलते के साथ जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस जो है कटे होंगे अगर जिन्होंने मंदी बनाई होगी, और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं भी काटे होंगे तो शाम तक जो है उनको एक रिलीफ नहीं आई और बाजार अपने उच्चतम स्तर पर ही बंद हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में तो देखिएगा सेंचुरी ठोक रखी है सबने। HDFC बैंक ने ट्रिपल सेंचुरी है, ICICI बैंक लगभग डबल सेंचुरी के आसपास है, SBI की भी 100 रनों से ज़्यादा की पारी है, कोटक महिंद्रा बैंक की भी 100, एक्सिस बैंक केवल 12 रनों से सेंचुरी चूक गया। तो जब इतनी अच्छी बाइंग सभी जगह होगी तो ये तो होना ही था, और इसमें एक शॉर्ट्स पोजीशंस बहुत थी, इतने शॉर्ट तो नहीं थे बट वीकली जो शॉर्ट थे वो शायद कवर होते हुए आपको नजर आए, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ रोल ओवर तो हुए हैं शॉर्ट्स, लेकिन वो इतने शॉर्ट्स नहीं थे, बट जब डाउ जोन्स के अंदर एक तेजी आई तो उसका असर भी देखने के लिए मिला। और ब्रेंट क्रूड भी जो है 91.67 पे, तो ये हमारे लिए शायद थोड़ा अच्छा नहीं है, और हमारे लिए दोनों चीज़ें ख़राब हो रही हैं। डॉलर भी जो है 81.50 में चल रहा है, एक डॉलर की वैल्यू, तो अभी वो भी वहाँ पे भी कंफर्ट नहीं आया, उधर से ब्रेंट क्रूड ऊपर की तरफ आ गया, बट हमारे को रशिया से काफ़ी ऑयल मिल जाता है तो वो थोड़ा सा कंफर्ट है हमारे को। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए नेगेटिव है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो डाउ जोन्स अभी मुझे जो पसंद लग रहा है, अभी खाली आप एक चीज़ को देखेंगे तो आज मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ कि कितना बुरे तरीके से जो है बियर्स फंसे हैं। 17,000 की जो कॉल थी ना, इसमें देखिएगा 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं, और इसमें जो वैल्यू थी वो 223 बढ़ी आज, यानी कि सीधा सीधा बाजार खुलते साथ
जितने रुपए की ऑप्शन बेची गई थी उसका डबल का नुकसान हो गया। तो ऑप्शन सेलर के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये ऑप्शन सेलिंग में होता है। तो ये जो मंदी वाले थे ये सब अनवाइंड हो गए 17,100 में 1,10,000, तो ये निश्चित हो गया। जब बाजार भाई नीचे नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो शाम होते होते भी ये जो शॉर्ट कवरिंग आई उसकी वजह से भी बाजार ऊपरी लेवल पर ही क्लोज हुआ। बाजार जो है अपर एंड लिमिट जो थी हमारी 17,300 की उसी के आसपास बंद हुआ है। क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है और इंटरनेशनल मूड माहौल जो है चेंज हुआ है। उसके अलावा डॉलर इंडेक्स में भी वीकनेस है, उसके अलावा गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसके अलावा बिटकॉइन या जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज है वहाँ पर भी कम्फर्ट है। तो इन सब के बीच में जो है डाउ जोन्स ने अच्छा किया, तो सारे जो फंडामेंटल्स थे ये आपको बदलते नजर आए और उसका असर हमें देखने के लिए मिला। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अभी तेजी को देख के आप और ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए। अभी मैं जो डिटेल एनालिसिस है वो कल आपके साथ करूँगा, तो अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में हम, और कल मैं आपको बताऊँगा कि भाई किस तरीके से रुक हो सकता है, क्योंकि मंदी करने वाले देखिएगा सारे ही ट्रैप हो गए, चाहे बैंक निफ्टी के अंदर भी, तो मोस्टली स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हुए हैं। तो हमारा एनालिसिस भी गलत होना ही था फिर, तो जब स्टॉप लॉस ही कटे हैं हमारे भी, तो इस तरीके से जो है पोजीशंस यहाँ पे बदल गए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा इसको, बाजार जो है 39,100 के आसपास बंद हुए। अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लोजिंग 39,110 पे है, हालांकि 10-15 पॉइंट आप ये समझ लीजिए एडजस्टमेंट की वजह से है। अब यहाँ पे 39,100 की पुट की वैल्यू देखिए कितनी है, पुट की वैल्यू है 231, हालांकि क्योंकि 20-30 पॉइंट ऊपर था ये 264। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर जाकर देखेंगे 38,500 के अंदर देखें, यहाँ से 600 पॉइंट दूर, तो जो पुट की वैल्यू है वो है 59.70। और ये पुट का जो प्रीमियम है ना आज डिके होते हुए नज़र नहीं आया हमें। सबसे खास बात ये कि बाजार के अंदर बाजार ऊपर भी जा रहा था, टाइम भी जा रहा था, और आज प्रीमियम डिके होना है क्योंकि कल की छुट्टी है दशहरे की, तो उसके बावजूद भी प्रीमियम डीके नहीं हो रहा था। ये 59.70 ये यहाँ पे 65 रुपये के आसपास चल रहा था जब बाजार 39.50 के आसपास चल रहा था, तो बाजार ऊपर भी आ गया, समय भी बीतता गया, तब भी ऑप्शंस के प्रीमियम कम नहीं हुए। इसी तरीके से अगर आप 600 पॉइंट दूर जाके देखेंगे 39,700 पे, तो वहाँ पर प्रीमियम है 49.95। तो जो पुट के प्रीमियम्स हैं वो अभी भी नहीं घट रहे हैं। इसका मतलब है ये कि जो बीयर्स हैं वो एक बार इन डेटा को देख के ऐसा लगता है कि एक बार झटका देने के मूड में है, और वो बाज़ार को सोमवार को एक झटका दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार को झटका तभी मिलेगा जब ओपनिंग गैप अप हो, यानी कि बाज़ार ऊपर की तरफ खुले, और फिर ऊपरी लेवल पर जब सप्लाई आएगी तभी जो है हमें लगता है कि इस तरीके का पॉसिबल है कि बाज़ार 38,500 के आसपास तक आ सकता है। लेकिन बाज़ार की तभी आएगा जब इंटरनेशनली जो है अभी मूड माहौल जितना अच्छा है, अगर इसमें कोई भी डेंट पड़ता है, तो इसके लिए जो है हम कल जो है ज़्यादा गौर करेंगे। और अभी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि बीयर्स ने, हालांकि ये अपनी ऑप्शंस जो है बैकफुट पर वो आ गए, लेकिन ऊपरी लेवल पर उनका जो डेटा पॉइंट है, जैसे 39,700 के आसपास आज कॉल राइटिंग हुई है, और इसी तरीके से पुट राइटिंग हुई है, जबरदस्त तरीके से 39,000 का बेस बनाने की कोशिश हुई है, तो यहाँ पर पुट के प्रीमियम जो डिके नहीं हो रहे थे, इवन कॉल के भी नहीं हुए ज़्यादा, लेकिन पुट के जो है प्रीमियम लास्ट टाइम तक रहे। और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर पुट के प्रीमियम लास्ट टाइम तक है, देखिएगा जो प्रीमियम आपको कॉल के अंदर 500 पॉइंट पे मिल रहे हैं, पुट के अंदर वो 600 पॉइंट पे मिल रहे हैं, 600 पॉइंट दूर। तो पुट के अंदर प्रीमियम होना, क्योंकि जनरली बाजार जब अगले दिन जब एक्सपायरी हो, अगले दिन अगर इस तरीके की मतलब क्लोजिंग, और अगले दिन जब बाज़ार खुलते हैं तो जनरली अच्छे खुलते हैं, और ऐसे केसेस में पुट के जो प्रीमियम वो बहुत तेज़ी से कम हो जाते हैं। लेकिन आज पुट के प्रीमियम्स इतने कम नहीं हुए जो उम्मीद थी, यानी कि ये पुट का प्रीमियम नॉर्मल केस के अंदर जो नॉर्मल एक्सपायरी होता है तो 40 रुपये के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी 60 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, हालांकि थोड़ा सा विक्स भी ज़्यादा है। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि बाज़ार जो है बृहस्पतिवार को वोलेटिलिटी रहेगी, और दोनों साइड की रहेगी, यानी कि जिस तरीके से आज सीधा सीधा डायरेक्शनल मूव था वैसा मूव हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे, और बाजार अगर ऊपर खुलते हैं तो ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर जो है बाजार झेल सकता है, या तो बाजार साइडवेज रहेगा
या ऊपरी लेवल पर सेलिंग आने की चांसेस रहेंगे। बाजार की जो अपसाइड है वो ऑप्शन चेन के डेटा में हालांकि इतना नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो सप्लाई है या जो प्राइस एक्शन है और जो पुट के प्रीमियम्स हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि बाजार हायर लेवल पर एक सेलिंग जो है देखेंगे। बेशक से आज की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही बेहतरीन थी, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर 39,800 जब तक नहीं तोड़ता, देखिएगा 39,800 जब तक नहीं तोड़ता तब तक एक सप्लाई आने का जो है बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। और 39,800 क्रॉस करने के बाद देखिएगा बाजार एक अलग टेरिटरी में चला जाता है, तो 39,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार कर लिया तो फिर गेम बदल जाएगा कुछ बिल्कुल ही, फिर तो बुल्स के फेवर में चला जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि 39,600, 700, 500 के आसपास जो बाजार आएगा तो एक अच्छी खासी सप्लाई आनी चाहिए, और उसके बाद जो है बाजार 39,000 और इवन 38,800 तक भी जा सकते हैं। और अगर थोड़ी सी ओवर सेलिंग आ गई और वर्स्ट केस में या इंटरनेशनल मूड माहौल थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया तो आप 38,500 तक भी देख सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबली 38,800 जो है ऐसा लेवल है जहाँ पर बाजार जो है टेस्ट कर सकते हैं। अगर बाजार गैप अप खुलते हैं और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि जो अच्छे प्रॉफिट बैठे हुए और जिन्होंने यहाँ भी पोजीशन लिया तो एक्सपायरी वाले दिन जो है ऊपरी लेवल पर वो सेलिंग प्रेशर जो है प्रॉफिट बुक करते हैं, उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार, और फिर जो है यहाँ पे आप गेम इस तरीके का हो गया कि लोग ऑप्शन सेलिंग करने लग गए रिटेल इन्वेस्टर्स, तो अब ऑप्शंस जिस तरीके से आज कॉल के राइटर को फंसाया, हो सकता है कि जब बाजार थर्सडे को खुले तो पुट के राइटर को ना ट्रैप कर ले, तो दोनों चांसेस जो है बनते हैं। और अभी जो है हमें जो है पूरा जो है मूड माहौल जो है डॉलर किस तरीके से काम कर रहा है, ब्रेंट क्रूड किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि वो अपना प्रोडक्शन कट करेंगे तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट है। और अभी देखिएगा डाउ जोन्स के अंदर ये जो कन्फर्म हो जाएगा कि कल, क्योंकि आज भी अच्छी तेज़ी है, अब ये तेज़ी वास्तव में एक बुल रैली है या यहाँ पर एक अच्छी खासी शाम की क्लोजिंग होते होते और कल किस तरीके से जो है रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाजार इतने ओवरसोल्ड नहीं थे, हम भी थे पिछले हफ्ते तक, मतलब थर्सडे तक थे हम पिछले एक्सपायरी में, लेकिन हम इतने ओवरसोल्ड नहीं थे। और जिस तरीके के जो है एशियन मार्केट ओवरसोल्ड थे या बाकी मार्केट ओवरसोल्ड थे, तो उनमें एक रिएक्शन आना जरूरी था, इस तरीके का पुल बैक जिस तरीके से डाउ जोन्स के साथ उनको चलना जरूरी था, लेकिन हमारा इतना ख़राब नहीं था, हम इतना ओवरसोल्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छा पुल बैक दिया है। और उसका मेन रीज़न ये है कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं उनका जो कासा डिपॉजिट है या जो डिपॉजिट रेशियोज़ हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, उसमें ग्रोथ दिख रही है, और इसके अलावा जो लोन ग्रोथ है वो भी नज़र आ रही है। अब उनकी जो परफॉर्मिंग असेट्स या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की क्या क्वालिटी रहेगी, एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट्स होंगे वो तो देखिएगा आपको 16 तारीख के बाद ही पता चलना शुरू होंगे। और HDFC बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो थर्ड वीक के अंदर जनरली आते हैं, थर्ड जो सैटरडे होता है उसके अंदर जो है वो रिजल्ट आते हैं, तो वहाँ से रिजल्ट की शुरुआत होगी, तो उससे थोड़ा सा आइडिया होगा। बट कुछ बैंकों ने बहुत अच्छा जो है दिखाया, जैसे CSB बैंक है तो उन्होंने अपना जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है, तो जिसकी वजह से CSB बैंक के अंदर भी 2 दिन में बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। हालांकि उनका जो मार्केट शेयर है वो मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस का जो है मार्केट शेयर वो खाते हुए नज़र आएंगे, और जिसकी वजह से शायद इन दोनों कंपनीज़ के लिए इतना अच्छा ना हो, लेकिन CSB बैंक जो है केरला बेस्ड जो बैंक है तो वहाँ पर गोल्ड फाइनेंस का बहुत अच्छा धंधा है, तो वो धंधा जो है मन्नापुरम और जो है मुथूट फाइनेंस के हाथ से जो है शायद इनकी तरफ शिफ्ट हुआ है, तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से CSB बैंक के अंदर पिछले 2 दिनों में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने के लिए मिली। तो ये चर्चा बस मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।